Good afternoon, students. Today we will start a new chapter, Chapter 3, Plant Kingdom, Part 1. So let's begin then. Plants Kingdom. Plants Kingdom में जो division है वो सबसे primitive plants से लेके सबसे advanced plants वाला तक होती है, ठीक है. जो most primitive plants है वो है algae, and algae का ranges unicellular से लेके 60 meter long तक हो सकता है. मतलब algae unicellular भी है, multicellular भी है, and multicellular जो है 60 meter long लंबी हो सकता है, ठीक है. and algae का एक important features है कि वो photosynthesis कर सकते हैं, and world में 50% से भी ज़्यादा photosynthesis algae करते हैं. जो बड़े बड़े plants हैं ना ये सब just दिखावा है, लेकिन algae जो इतना छोटू plants हैं, जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ये ही फोटोसिंथेसिस वॉल का 50% से भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स भी प्रिमिटिव प्लांट्स है, ठीक है. मॉसेस एंड लेवरहुड्स ब्रायोफाइट्स के अंदर में आते हैं. फिर आया टेरिटोफाइट्स. टेरिटोफाइट्स भी प्रिमिटिव प्लांट्स हैं. जितना भी फर्न्स दिखाई दे रहे हैं आपको पहाड़ी एरिया में, जितना भी फर्न्स है ये सब टेरिटोफाइटा के अंदर में आते हैं. फिर फेनोरकम्स, ये है बहुत ही एडवांस, ये इसके अंदर में आएगा. एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ये लोग सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. सीड इज द एडवांस फीचर्स इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. अलगी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिटोफाइट्स इन लोग को ज़्यादा दिखाई देता है रिवर बैंक, नदी के किनारे, पानी के अंदर में ज़्यादातर तो अलगी को दिखाई देता है, ठीक है. एंड टेरिटोफाइट्स जो है ये ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, जहाँ पे पानी से गिला एक लेयर हो, नहीं तो जहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आता है वहाँ पे टेरिटोफाइट्स को दिखाई देता है, ठीक है. एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिटोफाइट्स दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है. एंड इन लोग का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ये लोग विदाउट पानी नहीं रह सकता है, ठीक है. जैसे कि हम लोग को मालूम है कि एडवांस प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वो लोग एनिमल्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि एनिमल जैसे कि हनी बी हो या बर्ड्स हो, बिटल्स हो, ये लोग पॉलिनेशन के थ्रू मतलब मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक ले जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है. लेकिन यहाँ पे जो ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्ट्रेटोफाइट्स, यहाँ पे क्या होता है, ये लोग पानी के सहारे मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के लिए जाता है. मतलब मेल गैमेट्स तैर के फीमेल गैमेट्स के पास जाता है एंड देन डिफर्टिलाइज. ओके, सो जहाँ पे पानी नहीं होगा इन लोग को उगाना भी मुश्किल है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम. Whenever we think, whenever we imagine about trees, a tree, you know, human beings or some animals, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये लोग diploid cell है, two-end cell है, right? लेकिन सभी plants diploids नहीं होते. हम लोग यहाँ पे plants के बारे में बोल रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे. सभी प्लांट्स डिप्लॉयड नहीं होते हैं, जितना एडवांस प्लांट्स होते जाएगा उतना ही डिप्लॉयड होते जाएंगे, ठीक है. जैसे कि एल्गी है यहाँ पे मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स, तो यहाँ पे एल्गी का जो बॉडी है वो है हैप्लॉयड. फिर आया एल्गी के बाद आया द मोस्ट प्रिमिटिव, एल्गी तो मोस्ट प्रिमिटिव है. फिर उसके बाद आया ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट भी प्रिमिटिव है तो उसका भी बॉडी है हैप्लॉयड, ठीक है. फिर नेक्स्ट आया टेरिटोफाइट्स, मतलब टेरिटोफाइट्स मतलब थोड़ा थोड़ा करके एडवांस होना शुरू किया तो टेरिटोफाइट्स भी डिप्लॉयड सेल है. फिर आया जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म भी डिप्लॉयड है. एंजियोस्पर्म तो मोस्ट एडवांस है तो दैट इज योर ट्वाइस एंड दैट इज डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है. तो एक्चुअली क्या होता है, जो एडवांस प्लांट्स है वो डिप्लॉयड है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिटोफाइट, ठीक है. एंड जो प्रिमिटिव प्लांट्स में एल्गी एंड ब्रायोफाइट जो है ये लोग हैं हैप्लॉयड, ठीक है. इफ़ कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड भी है, इफ़ कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड भी है लेकिन उसके ज़िंदगी में कभी डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस उसको करना पड़ती है, ठीक है. मतलब जैसे कि मान लो एल्गी, एल्गी हैप्लॉयड है, ये प्रिमिटिव प्लांट है इसलिए उसका हैप्लॉयड है उसका बॉडी, लेकिन उसको कभी क्या करना पड़ता है, उसको भी कभी डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करना पड़ती है, ठीक है. और जो एडवांस प्लांट है एंजियोस्पर्म, वो कभी क्या करते, वो जो डिप्लॉयड है वो भी कभी हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करना पड़ती है उसको भी, ठीक है. ये जो ऑल्टरनेशन होता है मतलब लाइफ में, चीज ऑल्टरनेशन होता है प्लांट्स के लाइफ में, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल इन प्लांट्स. प्लांट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. लाइफ साइकिल इन प्लांट्स. लाइफ साइकिल इन प्लांट जानने के लिए, जैसे कि मैंने साइड में एक राउंड करके यहाँ पे दो वर्ड दिया है, हागा एंड डिस्पो, ये आपका पूरा ब्रेन में होना चाहिए.
हागा एंड दिस्पो। हागा मतलब जो गैमेट से, जो गैमेटोफाइट है वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। कभी कभी बच्चा में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यही टर्म्स ईजी है, इसको याद रखो बस। हागा गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड, दिस्पो मतलब स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड, ये जानना है आप लोग को, ठीक है। देखो, प्लांट्स के पौधे के अंदर में दो डिस्टिंक्ट यूनिट रहते हैं, एक है स्पोरोफाइट एंड एक है गैमेटोफाइट। एक ही प्लांट्स में स्पोरोफाइट भी होता है एंड गैमेटोफाइट भी होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या करता है? स्पोरोफाइट जन्म देता है गैमेटोफाइट को एंड गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को जन्म देते हैं, ओके। इससे इसका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एक साइकिल बनाया मैंने, जो ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट गिव्स राइज टू स्पोर्स, ये स्पोर्स को जन्म दे रहा है, एंड इस जो गैमेटोफाइट है ये जन्म दे रहा है गैमेट्स को। इन अ लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट्स ये स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट होना ही है। तो जो स्पोरोफाइट है वो मैंने क्या बोला, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, तो ये 2N है, ठीक है, 2N है, 2N है तो इसका अभी क्या होगा, इसका मियोसिस होगा, 2N है तो NN तभी तो बनेगा ना, तो स्पोर्स बनेगा N, ठीक है। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद ही तो गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि गैमेटोफाइट क्या है, हागा से हम लोग को मालूम है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, एन है, ठीक है। एन होने के बाद अभी ये क्या करेगा, ये भी ये माइटोसिस होगा, जैसे कि गैमेट्स आपका क्या है, गैमेट्स ये मेल फीमेल, ओके, मेल एंड फीमेल ये लोग फ्यूज करेगा फिर, ठीक है। जो गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड एंड ये अभी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद होगा जाएगा दैट इज 2N, ठीक है, 2N होने के बाद स्पोरोफाइटिक। तो ऐसा करके आपका लाइफ साइकिल इन प्लांट्स देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखो, इफ गैमेटोफाइट लड़का है, मतलब रिमेंबर इसको याद रखने के लिए, ठीक है, कौन सा प्लांट्स का ग्रुप में कौन सा डोमिनेंट है एंड कौन सा प्लांट्स में कौन सा रिसेसिव है, मतलब किसी किसी प्लांट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है एंड किसी किसी प्लांट्स ग्रुप में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए, इफ़ गैमेटोफाइट हम लोग एज ए मतलब बॉय है, गैमेटोफाइट एक लड़का है एंड स्पोरोफाइट एक लड़की है, ठीक है। जैसे कि प्रिमिटिव स्टेज, मतलब पहले पहले क्या होता था, पहले पहले लड़का लोग डोमिनेंट करते थे लड़के लोग को, ठीक है, मतलब जॉब में लड़का लोग ज़्यादातर जाते थे, ठीक है। तो पहले पहले प्रिमिटिव ग्रुप में कौन कौन आते हैं, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, ठीक है, तो वो होगा गैमेटोफाइट के अंदर में आएगा एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, मतलब एल्गी एंड ब्रायोफाइटा ग्रुप में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है। फिर आया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जैसे कि आजकल एडवांस, जितना ही एडवांस होते जा रहा है उतना ही लड़के लोग ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, ज़्यादा जॉब नौकरी भी करता है, एडवांस है। तो जितना भी ये टाइडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब डिप्लॉयड बॉडी है, हम लोग ने डिस्कस किया था। तो ये लोगों का स्पोरोफाइट के अंदर मतलब लड़की एडवांस अभी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो, इफ गैमेटोफाइट इज अ पॉइंट देन यू कैन से दैट एल्गी एंड ब्रायोफाइट ये लोग गैमेटोफाइट के अंदर में आएगा, जो कि ये लोग प्रिमिटिव ग्रुप में है, एंड जो एडवांस है टाइडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये लोग में क्या होता है, येलो में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, ठीक है। अभी एक साइकिल है हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, जो कि देखने को मिलता है एल्गी ग्रुप में। एल्गी क्या है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है तो यहाँ पे कौन डोमिनेंट करेगा, यहाँ पे डोमिनेंट करेगा गैमेटोफाइट। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि हैप्लॉइडिक मतलब हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, राइट, एंड यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। देखो एल्गी का ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट और ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो एल्गी का जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल बॉडी जो है, इसमें से मेल गैमेट जो स्पर्म से वो पानी में तैरेगा। मैंने जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी बोला था कि एल्गी जो है पानी में रहता है ये लोग, एंड पानी में ये लोग फर्टिलाइज करता है। तो ये स्पर्म तैर के, जो कि एन है हैप्लॉइड है, ये तैर के आएगा कहाँ पे, ये तैर के आएगा आपका फीमेल जो गैमेटोफाइट में, फीमेल बॉडी में आएगा, ठीक है। फिर ये दोनों, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जैसे कि मैंने वो ऊपर में जायगोट लिखा है, मतलब फीमेल का बॉडी में ही होगा इसका फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फीमेल का बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट होगा, दैट मीन्स 2N, जायगोट इज़ ओनली डिप्लॉयड सेल हियर,
ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला, मतलब हर लाइफ साइकिल, हर प्लांट्स में जिस जो कि लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स का, वो इफ़ हैप्लॉयड है तो इसको कभी ना कभी उसका एक ऐसा स्टेज आता है कि उसको डिप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, फर्टिलाइज होके जायगोट बन के ये डिप्लॉयड सेल बन गया अभी। ठीक है, फिर क्या होगा, 2N है, 2N होने के बाद तो म्यूसिस होना ही है। ठीक है, म्यूसिस होके क्या होगा, म्यूसिस होने के बाद जो ये जायगोट के अंदर में क्या होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन करेगा जो कि N होगा। ठीक है, फिर ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स कहाँ रिलीज़ होगा, पानी में रिलीज़ होगा। पानी में रिलीज़ होने के बाद ये लोग जब जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करने के बाद फिर वो लोग और गैमेटोफाइट और ऐसा एल्गी ये लोग प्रोड्यूस करेगा जो कि गैमेटोफाइट होगा एंड वो भी एन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट ये टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में ही तो ये जो स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, जो 2N जायगोट जो है, जायगोट जो 2N है, ये जो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, राइट, ये कहाँ बन रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही तो डिपेंड करके ये लोग बन रहा है। ठीक है, इसलिए स्पोरोफाइट ये टोटली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इसलिए गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट हियर, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। एंड जो जायगोट बन गया, जो स्पोरोफाइट बना है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बना है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही बना है, एंड इसलिए ये लोग स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। एंड हियर इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि एल्गी का है, यहाँ पे गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले हुआ जो मेल बॉडी है, मेल बॉडी से स्पर्म रिलीज़ किया, स्पर्म रिलीज़ करके फीमेल गैमेटोफाइट में गया, फीमेल बॉडी में गया, जाके वहाँ पे वो लोग फ्यूज़ किया, जायगोट बनाया, जायगोट जो कि है डिप्लॉयड सेल, राइट, जायगोट इज द ओनली डिप्लॉयड सेल इन हियर। फिर ये म्यूसिस होके क्या होगा, म्यूसिस होके ये क्या करेगा, ये हैप्लॉयड स्पोर बनाएगा, फिर हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट होकर फिर गैमेटोफाइट बनेगा, एंड गैमेटोफाइट इज एन, एंड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट बिकॉज स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। हाँ, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये आप लोगों का किताब में है, NCERT में। देखो, जैसे गैमेटोफाइट यहाँ पे एन, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल और फीमेल, ये मतलब दो, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे मतलब अभी सिनगैमी करेगा, ये लोग सिनगैमी मतलब फ्यूजन करेगा, फ्यूजन करने के बाद ऑब्वियसली 2N बनेगा, जायगोट बनेगा, एंड जायगोट इज हियर ओनली द डिप्लॉयड सेल हियर। एंड देन क्या करेगा, 2N होने के बाद तो म्यूसिस करना है, म्यूसिस करने के बाद क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, एंड स्पोर्स क्या होगा, हैप्लॉयड स्पोर्स एन होगा, फिर उसके बाद फिर ये लोग जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफाइट मतलब नया एक अलगी ये लोग जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दिस इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, एंड दिस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज मोस्टली सीन इन द एडवांस प्लांट ग्रुप, दैट इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जो जैसे कि यहाँ पे एक ट्री है, ट्री है, स्पोरोफाइट है, एंड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट हियर। सो ट्री में होता है फ्लावर, और फ्लावर में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। ठीक है, सो जैसे कि ये स्पोरोफाइट है तो स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल है, एंड दिस ओव्यूल के अंदर में मेगास्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स म्यूसिस होके मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर के अंदर, जो एंटर है, एंटर के अंदर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, वो भी म्यूसिस होके माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, नाउ द स्पोर्स और एन, ये हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं जो कि है माइक्रोस्पोर्स इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेगास्पोर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर ये क्या करता है, ये अंडरगो माइटोसिस, जिस मेगास्पोर जो कि एन है, ये माइटोसिस होके फिर एम्ब्रायोसेक बनाते हैं, एम्ब्रायोसेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, एंड एज इट इज फीमेल गैमेटोफाइट तो इसमें होता है एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के अंदर में होता है एग, जो कि है एक मतलब ये फर्टिलाइज करता है। ठीक है, जो भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, ये फर्टिलाइज करेगा, एम्ब्रायोसेक के अंदर में एक मिलता है। फिर जो माइक्रोस्पोर्स है इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑल्सो, ये भी माइटोसिस होके क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेड बनाएगा, एंड पॉलन ग्रेड इज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट है तो पॉलन ग्रेड के अंदर में होता है मेल गैमेट। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो ये गैमेट्स है ये टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स हैं ये स्पोरोफाइट है, दिस गैमेटोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट हियर, बिकॉज इफ ये एम्ब्रायोसेक है, एम्ब्रायोसेक खुद तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, एंड पोलन ग्रीन भी ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसलिए ये टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, जो कि ये प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट है एंड इट्स डिप्लॉयड। सो यहाँ पे क्या होता है,
एम्ब्रायो सैक एंड पॉलन ग्रेन आर गैमेटोफाइट एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये बाद में फ्यूज करके फिर ये क्या होगा, फिर ये सेम स्पोरोफाइट ही होगा। मतलब यहाँ पे इन दिस डिप्लॉन्टिक साइकिल क्या होता है, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है, यहाँ पे दिस स्पोरोफाइट क्या होता है, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट पे जो फॉर्मेशन होता है इन मेल एंड फीमेल, सो ये गैमेटोफाइट टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। ठीक है, सो दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जो साइकिल है ये एनसीईआरटी से है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे देखो, एक्चुअली यहाँ पे एक फ्लावर है, उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है एंटर, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है, यहाँ पे एक्चुअली होते हैं ओवरी, स्टेर एंड स्टिग्मा। ये एक्चुअली आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा इफ़ आप लोग जो मैंने आप लोग को दिया था अटेंड करने के लिए क्लास 12 का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, वो अटेंड करने से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ दिक्कत आपको हो सकता है, इसलिए आप लोग वो क्लासेस अटेंड कीजिए, आप लोग को आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है अभी हम लोग यहाँ पर समझने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो ओवरी में होता है, यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का। ठीक है, तो ये जो एंटर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एंटर है, यहाँ पे इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल फिल क्या होता है, ये अंदर को म्यूसिस देन माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो ओवरी के अंदर में जो ओविल होता है, एंड ओविल के अंदर में मेगास्पोर मदर सेल्स है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो मेगास्पोर मदर सेल्स फिर इट अंडरगोस म्यूसिस एंड देन व्हाट हैपन, ये आपका एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रायो सैक के अंदर में होता है एग सेल। ठीक है, ये एग होता है एम्ब्रायो सैक के अंदर में, एंड हियर यू सी इन माइक्रोस्पोर, दैट इज जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो म्यूसिस होके माइक्रोस्पोर बन गया था, फिर ये पॉलन ग्रेन बना देगा। पॉलन ग्रेन के अंदर में होता है मेल गैमेट। ठीक है, फिर ये मेल गैमेट एंड जो वहाँ पे जो एग सेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेगास्पोर मदर सेल्स होने के बाद जो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पे एक सेल होता है, ये दोनों फिर फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद जायगोट बनाएगा, जायगोट बनाने के बाद एम्ब्रायो बनाएगा, फिर देन एग स्पोरोफाइट। ओके, सो दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हियर। एंड जो साइड में है ये भी एनसीईआरटी से है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है 2N है, फिर ये गैमेटोजेनेसिस बनेगा। गैमेटोजेनेसिस मतलब आपका ये कैप्टोजेनेसिस जो है ये म्यूसिस अंडर को करेगा। ठीक है, म्यूसिस अंडर को करने के बाद फिर क्या करेगा, इस इनका भी फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जायगोट होगा, जायगोट ऑब्वियसली होना है, दैट मीन्स दैट इज स्पोरोफाइट डिप्लॉन्टिक, जो मैंने पहला वाला में समझाया था आप लोग को, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक सर्कल पूरा ऐसे समझाया है। ठीक है, साइकिल देकर समझाया है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट्स के मॉस में। ठीक है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइट का भी रोल होता है एंड स्पोरोफाइट का भी रोल होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी है मॉस का। फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं आर्किगोनियम, एंड आर्किगोनियम के अंदर में होता है एक सेल, एक इज द हैप्लॉयड। एंड सिमिलरली इन मेल में भी होता है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंट्रोडियम बोलते हैं उसको, एंड इसके अंदर में होता है स्पर्म्स। ठीक है, तो ये स्पर्म्स क्या करता है, ये स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ये क्या करता है, पानी में ये फ्लो होके आता है आर्किगोनियम के, क्योंकि आर्किगोनियम के अंदर में होता है एग। अब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कुछ इस तरह से, जैसे कि एक सांप की तरह ऐसा करके जो स्पोरोफाइट में निकलेगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स करेगा, तो ये जायगोट बनेगा। ठीक है, जायगोट बनेगा, 2N हो जाएगा इसका। ठीक है, 2N मतलब स्पोरोफाइट, राइट, तो स्पोरोफाइट बना देगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा जो आगे में मैंने ये ड्रॉ किया है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ओके, ये जो स्पोरेंजियम है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो ये जो स्पोर्स है इसके अंदर में, स्पोरेंजियम के अंदर में जो स्पोर्स है वो फिर क्या होगा, म्यूसिस होके हैप्लॉयड स्पोर्स बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो इसका जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी के ऊपर में स्पोरेंजियम बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला है वो वाला एक्चुअली हैप्लॉयड है, दैट इज योर गैमेटोफाइट। उसके ऊपर में क्या हो रहा है, उसके ऊपर फिर स्पोरोफाइट बना दिया, दैट इज 2N स्पोरेंजियम बना दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसलिए बोलता है क्योंकि प्लांट बॉडी के ऊपर
प्लांट बॉडी को ही डिपेंड करके ये फॉर्मेशन करता है स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट, ठीक है। तो एक्चुअली ये स्पोरोफाइट तो मल्टीसेलुलर है बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट ही इसका प्लांट बॉडी है, ठीक है। फिर ये स्पोरेंजियम फिर म्यूसिस होकर ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, फिर ऐसे इसका लाइफ साइकिल चलता है, फिर ये स्पोर जर्मिनेट होकर फिर गैमेटोफाइट बना देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड ये है ब्रायोफाइट्स का मॉस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ना इन टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में टेरिडोफाइट का जो बॉडी होता है, फर्न का जो पोती होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, टू एन होता है, ठीक है। एंड टेरिडोफाइट का जो लीव्स का नीचे में होता है स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है। फिर ये स्पोरेंजियम क्या होता है, उसके अंदर में एक्चुअली स्पोर्स होता है, फिर ये अंदर को म्यूसिस एंड देन हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहीं पे जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट होने के बाद गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट जैसे कि यहाँ पे देखो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आर्किगोनेमिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में एक है, ठीक है। तो कहीं और से स्पर्म्स पानी में तैर के आके यहाँ पे आएगा फर्टिलाइज होने के लिए, फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट प्रोड्यूस करेगा, फिर जायगोट होने के बाद एक स्पोरोफाइट, जायगोट होने के मतलब जायगोट इज टू, एंड फिर ये डेवलप होना शुरू कर देगा, फिर एक स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है। ये जो स्पोरोफाइट है ये भी आपका खुद का फोटोसिंथेसिस खुद करके खुद खाना बना लेगा, और जो गैमेटोफाइट है वो भी खुद का खाना खुद बना लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दोनों मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है, एंड दोनों इंडिपेंडेंट है इंटरडोफाइट्स। ओके, दिस डायग्राम इज फ्रॉम एनसीईआरटी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का जो साइकिल है देख लेते हैं इसको भी। पहले स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक मतलब टू वैन है, राइट। टू वैन होने से ये म्यूसिस होगा, ऑब्वियसली म्यूसिस होगा। म्यूसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स कहीं पे जाकर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाएगा जो कि एन है। फिर ये गैमेटोफाइट क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस मतलब यहाँ पे मेल गैमेटेट फीमेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद सिनगैमी मतलब फ्यूजन होगा, फिर जायगोट, ओके, टू वैन मेल गैमेट फीमेल गैमेट एंड फ्यूजन होकर टू एन होगा, दैट इज जायगोट एंड दैट इज स्पोरोफाइट। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ एल्गी नॉट शोइंग हैप्लोन्टिक साइकिल। जैसे कि हम लोग जानते हैं एल्गी पूरा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ही दिखाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन से फोकस नाम का एक एल्गी है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। ये नाम आप लोग को जानना है, कभी ये लोग नीट में आ सकता है, ठीक है। फोकस है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, ठीक है। एंड द फॉलोइंग एल्गी शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जो फॉलोइंग है कैप सी ई पी ऐसा करके याद रखना, कैप कैल्प है, ये ब्राउन एल्गी है, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी है, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देते हैं। पॉलिसिफिनिया इज योर रेड एल्गी, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके, अबाउट एल्गी एंड ऑल। अभी आप लोग ये सब याद रखिए, एंड थोड़ा यू नो थोड़ा आप लोग किताब देख के इसको रिलेट करके पढ़िए, यू विल गेट इट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।